हरिद्वार कुंभ मेला में आज अंतिम शाही स्नान का अवसर था, जहां हमेशा की तरह आपदा पर आस्था भारी नजर आई। फिलहाल तो काफी हद तक साधु संत नियमों का पालन करते हुए स्नान करते देखे, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मुस्तैद थी। चैत्र पूर्णिमा शाही स्नान पर्व पर हरिद्वार कुंभ मेला में साधु दृशंत और श्रद्धालु विधि विधान के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं। यह हरिद्वार महाकुंभ 2021 का आखिरी शाही स्नान है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर घाट पर स्थित मंदिरों में पूजा अर्चना कर पुण्य की कामना मां गंगा और अपनी आराध्य देवी देवताओं से कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु भगवान से कोरोना महामारी के खात्मे की भी प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित स्वस्थ और सुखमय बन सके। मौलाधिकारी श्री दीपक रावत की शाही स्नान के दौरान उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए कुंभ की सभी परंपराओं का पालन भी किया जा रहा है। अखाड़ों से साधु संत सीमित संख्या में स्नान के लिए आ रहे हैं, उनके द्वारा वाहन भी सीमित संख्या में प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्नान के लिए जो समय सारणी मेला पुलिस प्रशासन ने तय की है, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। वो एक बड़ा चैलेंज था, साधु संतों से बातचीत हुई, आपसी समन्वय में तालमेल से अच्छे जो आयोजन है वो संपन्न कराए गए। और आज का जो शाही स्नान है, इसमें तो विशेष रूप से सभी संतों से, हमने साधुओं से, अखाड़ों से हमने आग्रह किया है कि इसको सीमित रखें, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनफैक्ट अपील की है सभी साधु संतों से कि इसको प्रतीकात्मक रखें, तो उसको देखते हुए आपसे बातचीत हुई है कि एक तो छोटा रखें स्नान का जो साइज़ है, सामाजिक दूरी हो, मास्क यथा संभव इसको पहने। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बातचीत हुई है खाना परिषद से, हमारी जो बातचीत हुई है सभी सम्मानित अखाड़ों के प्रतिनिधियों से, उसके तहत आज के जो कार्यक्रम है वो सफल होगा। हरिद्वार से सनी वर्मा की रिपोर्ट।